मध्य प्रदेश में शिवसेना के पूर्व प्रदेश प्रमुख रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं रमेश साहू की पत्नी और बेटी को आरोपियों ने चोट पहुंचाई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल रमेश साहू की इंदौर के पास उमरी खेड़ा में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। रमेश साहू उमरी खेड़ा में साईं राम ढाबा संचालित करते थे। रमेश साहू की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। वहीं बीच बचाव करने आई मृतक की पत्नी और बेटी को भी आरोपियों ने चोट पहुंचाई है, जिसमें वो घायल हो गईं। वहीं घटनास्थल से कोई सामान या पैसा चोरी नहीं किया गया है। आरोपियों ने केवल हत्या की वारदात को ही अंजाम दिया है, जिसके चलते पुलिस घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जता रही है। लगभग 1:45 बजे के आसपास डायल 100 पे पॉइंट प्राप्त हुआ था कि उमरी खेड़ा में ओम साईं रेस्टोरेंट है, इसका जो मालिक है रमेश साहू, इसकी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस अभी आई है और प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात विवेचना जारी की गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए MIH पहुंचा दिया गया और घटनास्थल पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से घटना घटित हुई होगी। FSL की टीम और अन्य जो एजेंसियां हैं उनके माध्यम से इसके बारे में पता लगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 10 साल से अधिक समय तक रमेश साहू प्रदेश शिवसेना प्रमुख रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।